देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के सामने एक अच्छी खबर कि भारत बायोटेक के द्वारा जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई गई थी 7 जुलाई से उसका ह्यूमन ट्रायल के ऊपर एनरोलमेंट शुरू किया जाएगा और इसके बाद यदि सफेद ट्रायल भारत बायोटेक के सफल होते हैं तो यह आशा है कि 15 अगस्त तक कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत में तैयार की जाएगी। और यहीं पर दूसरी खबर यह आ रही है कि जायडस कैडिला ने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है और DCGI के द्वारा कोरोना वायरस की बनाई गई वैक्सीन को जायडस कैडिला को ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। और जायडस कैडिला भारत की दूसरी कंपनी बनी है जिसके द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस की वैक्सीन को ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करने की मंजूरी मिल गई है। तो आप अपना कमेंट करके हमें बताइए कि भारत बायोटेक और जायडस कैडिला में से द्वारा बनाई गई वैक्सीन का किसका सफल परीक्षण सक्सेस होगा और कौन अपनी वैक्सीन मार्केट में जल्दी ला सकेगी।